नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह ले पहुंचे। पीएम मोदी का यह दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के वीर जवानों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी की लेह यात्रा एक तीर से कई निशाना साधने जैसा है। यह चीन को बहुत बड़ा संकेत है। पीएम मोदी ने जवानों की हौसला अफजाई पूरे जोर शोर से की। अपने संबोधन में पीएम ने चीन को कुछ कड़े संदेश भी दे डाले। तो चलिए आपको बताते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को कौन कौन से 5 कड़े संदेश दिए। पहला और सबसे बड़ा संदेश, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में चीन को दूसरा संदेश दिया कि वीर भोग्य वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उन्होंने जवानों से कहा कि आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों और अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, वहीं सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी अपना आदर्श मानते हैं। तीसरे संदेश में पीएम ने संदेश दिया कि भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अपनी ताकत का इजाफा कर रहा है। हम आधुनिक आयुधों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया की आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना में शामिल कर रहे हैं। युद्ध की बात हो या फिर शांति की, जब भी जरूरत पड़ी है तो विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है। चौथे संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। पांचवें और आखिरी संदेश में पीएम मोदी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां दोहराई। उन्होंने कहा कि जिनके सिन्नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कमल आज उनकी जय बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जवानों ने अपने अंदर की आग और गुस्सा दिखा दिया है। आपके पुरुषार्थ और साहस पर हमें नाज है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।